स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट टाइम में। दोस्तों टाटा AMC देश की बेहतरीन AMC है और इसके पास कुल 150 से ज्यादा म्यूचुअल फंड प्लान है जिसमें लोगों ने पिछले कुछ सालों में पैसे को निवेश किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांच सबसे बेस्ट फंड कौन से हैं टाटा AMC के, जिनके अंदर लोगों ने सबसे ज्यादा पैसे को निवेश करके एक बेहतरीन फंड बनाया है? क्योंकि दोस्तों अगर आप एक पर्टिकुलर AMC के साथ पोर्टफोलियो बनाकर पैसे को निवेश करते हैं तो फिर रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप अलग अलग कैटेगरी के अंदर पैसे को डालते हैं। इससे कम रिस्क के साथ आप अपना एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक साथ पैसा निवेश करने के लिए नहीं होता है, तो वो 5-5 या फिर 6-6 हज़ार रुपये करके हर एक फंड के अंदर कुछ कुछ दिन बाद डालते रहते हैं, तो वो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिससे वो फ्यूचर में एक बड़ा फंड बना सकें। तो दोस्तों आज हम आपके लिए टाटा के पांच सबसे दमदार फंड लेकर आए हैं, जिसके अंदर अगर आप कुल 6-6 हज़ार रुपये करके इन पांच फंड के अंदर 30 हज़ार रुपये का निवेश करते हैं और आप टाइम पीरियड तक वेट करते हैं एक शॉर्ट टर्म तक, तो यहाँ से आप 3 करोड़ रुपये तक फंड भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड AMC के साथ पैसे को निवेश करते हैं एक पोर्टफोलियो बनाकर, तो पैसे पर इसलिए रिस्क कम होता है क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर फंड के अंदर पैसे को डालते हैं और शॉर्ट टाइम में कोई करेक्शन आता है तो हमारे पैसे पर रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम पोर्टफोलियो बनाकर पैसे को निवेश करते हैं तो रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि हम अपने पैसे को फिर डिवर्सिफाई करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड में, जिससे लगातार हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता रहता है। अगर हम अभी तक भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड प्लान हैं जिन्होंने पिछले 10-12 साल से हमें काफी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन क्या हमें आज भी पैसे को निवेश करना चाहिए जब मार्केट के अंदर एक करेक्शन की उम्मीद हो, या फिर बहुत सारे रिसर्च फर्म का ये मानना भी है कि यहाँ से मार्केट में एक और बुलिश मूवमेंट मिल सकता है। दोस्तों कोरोना लॉकडाउन के बाद 2020 के बाद से अब तक अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल में मार्केट के अंदर हमें सबसे बेहतर रिटर्न मिला है, जिसे हम गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखेंगे स्टॉक मार्केट का और पिछले 4 साल का देखेंगे, तो आपको चार्ट देखकर ही समझ जाएगा कि यहाँ पर कैसे आपको पिछले 4 साल में प्रॉफिट मिला है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे प्लान भी हैं जिन्होंने 4 साल के अंदर पिछले 100% तक रिटर्न दे दिया है, और पिछले 2 साल से इसके अंदर और ज्यादा एक तेजी देखी गई है। बहुत सारे रिसर्च फर्म का ये मानना है कि मार्केट के अंदर अब रिटेल इन्वेस्टर आ चुके हैं, जिसका फायदा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों को है। और दोस्तों यहाँ से मार्केट में आपको और एक अच्छा मोमेंट मिल सकता है, क्योंकि अवेयरनेस अब बढ़ी है और ज्यादातर लोग अब पैसे को म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर रहे हैं। तो क्या हमें आज भी पैसे को निवेश करके एक बेहतरीन फंड बनाना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए? दोस्तों अगर आप वेट करेंगे या फिर आप 4 साल पहले 5 साल पहले निवेश के बारे में सोचते थे तब आप नहीं कर पाए और अभी आप मिस करते हैं, तो दोस्तों आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट यहाँ से और भी आगे बढ़ जाए, आप सोचते रह जाएंगे। इसलिए अगर आपको निवेश प्लान करना है तो ये बिल्कुल सही वक्त है, अभी से भी आप पैसे को डाल सकते हैं और फ्यूचर में आपके पास एक बड़ा फंड होगा। तो हम बात करेंगे टाटा के पांच सबसे बेहतरीन फंड की, पूरी डिटेल समझेंगे और कैलकुलेशन के साथ भी समझेंगे कि कैसे आप 30 हज़ार रुपये डालकर पांच फंड के अंदर 3 करोड़ रुपए तक फंड बना सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों इसमें पहला फंड हम जो लेकर आए हैं यह है टाटा का मल्टी कैप फंड। दोस्तों ये काफी जबरदस्त फंड है और इस फंड के अंदर अगर रिटर्न की बात करें तो फंड का एनुअलाइज रिटर्न 31.98% है, लेकिन पिछले 1 साल की बात करें तो फंड ने 30.62% रिटर्न, लास्ट 6 मंथ में 17.73% और लास्ट 1 मंथ में भी फंड ने करीब 6% का रिटर्न दिया है। दोस्तों इस फंड के अंदर पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी शामिल है पोर्टफोलियो में, जिसकी वजह से फंड के अंदर लगातार हमें बेहतरीन रिटर्न मिला है। दोस्तों टाटा की बेस्ट फंड कैटेगरी में सेकंड फंड हमने पिक किया है टाटा का निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। दोस्तों ये काफी बेहतरीन प्लान है मिड कैप कैटेगरी का और सबसे अच्छा रिटर्न पिछले 3 साल में हमें मिड कैप इंडेक्स ने बना कर दिया है। अगर हम अब तक इस फंड के रिटर्न की बात करें तो 41.08% रिटर्न है, पिछले 1 साल से फंड ने रिटर्न दिया है 54%, 6 मंथ में रिटर्न फंड का शानदार 20% और लास्ट 1 मंथ में भी फंड ने 5.5% का रिटर्न हमें बना कर दिया है। यानी कि इस फंड के अंदर लगातार अभी भी हमें एक बेहतरीन रिटर्न मिला है, जिसे हम पोर्टफोलियो में फंड को शामिल करके एक बेहतरीन फंड अपने लिए बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फंड हमारे पास है टाटा का स्मॉल कैप फंड। दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी में जितने भी फंड है उनमें अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो लॉन्ग टाइम में इस फंड ने हमें सबसे बेहतर रिटर्न दिया है। ज्यादातर स्मॉल कैप कंपनी शामिल है लेकिन एनुअलाइज फंड का रिटर्न है 30.72%, पिछले 5 साल से फंड ने लगातार रिटर्न 36.78%, लास्ट 3 ईयर में 30%, लास्ट 1 ईयर में 47% और 6 मंथ में फंड ने 33.39% का कंपाउंड रिटर्न दिया है। यानी कि इस फंड के अंदर भी लगातार हमें काफी बेहतर रिटर्न मिला है और पोर्टफोलियो में इस फंड को शामिल करके हम एक बेहतरीन प्रॉफिट पा सकते हैं। दोस्तों फोर्थ फंड हमने पिक किया है एक सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड, जो है टाटा का डिजिटल इंडिया फंड। दोस्तों IT सेक्टर का ये टाटा का काफी पुराना फंड है
और सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स की वजह से आईटी सेक्टर में इस पर ने हमें सबसे जबरदस्त रिटर्न दिया है। फंड का एनुअलाइज रिटर्न है 22.83%, लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो फंड का रिटर्न 29.27%, लास्ट 3 ईयर में 14%, लास्ट 1 ईयर में 43% और 6 मंथ में भी फंड ने हमें 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। यानी कि इस फंड के अंदर भी लगातार अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो वो हमें काफी जबरदस्त मिला है। और दोस्तों इस फंड के अंदर आज भी हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर आपको फ्यूचर में एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट फंड हमारे पास है टाटा का ईएलएस टैक्स सेवर फंड। दोस्तों ये ईएलएस कैटेगरी का फंड है, लॉक इन पीरियड 3 साल है, लेकिन इस फंड के अंदर यहाँ पर रिस्क कम होने के साथ साथ रिटर्न काफी बेहतर मिला है। फंड का एनुअलाइज रिटर्न है 18.57%, लेकिन पिछले 5 साल से फंड ने लगातार रिटर्न 22.54%, लास्ट 3 ईयर में 19.40%, लास्ट 1 ईयर में 35.40% और 6 मंथ में फंड ने 19.76% का कंपाउंड रिटर्न दिया है। यानी कि इस फंड के अंदर भी लगातार हमें जो रिटर्न है वो दोस्तों काफी जबरदस्त मिला है। इसमें चाहे से हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात कर लें, या फिर स्मॉल कैप फंड की, या फिर हम मिड कैप इंडेक्स फंड की, या फिर हम मल्टी कैप फंड की, सारे ही फंड के अंदर हमें यहाँ पर कमाल का रिटर्न मिला है। लेकिन दोस्तों इन 5 फंड के अंदर कुल मिलाकर हमें एवरेजन 26% का रिटर्न मिल जाता है। हर एक फंड के अंदर 6,000 रुपये डालते हैं, यानी कि कुल 30,000 रुपये इन 5 फंड के अंदर, और यहाँ पर हम अपने पैसे को निवेश करने का टारगेट रखते हैं सिर्फ 6 साल का। तो 6 साल में हम 30,000 रुपये से 1,29,000 का फंड बनाएंगे, इसमें 90,000 का रिटर्न हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पैसे को 12 साल के लिए डालते हैं तो 30,000 का निवेश करके 4,80,000 रुपये का फंड बनाएंगे, इसमें 4.5 लाख का रिटर्न हमें मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम पैसे को डालते हैं 18 साल के लिए तो फिर हम 30,000 का निवेश करके भी इस फंड के अंदर 19,22,000 का फंड बनाएंगे, 18,92,000 का रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम 24 साल तक इस पैसे को डालते हैं तो 30,000 से हम 76,91,000 का फंड बनाएंगे और 76,61,000 का रिटर्न होगा। लेकिन अगर हम 30 साल तक इन 5 फंड के अंदर पैसे को डालते हैं तो फिर हम इस 30,000 से 3,07,00,000 रुपए का फंड बनाएंगे और 3,07,00,000 का रिटर्न इस फंड में पांचों में हमें मिल जाएगा। लेकिन इन 5 फंड की दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल भी जरूर चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले फंड अगर हम टाटा मल्टी कैप फंड की बात करते हैं तो दोस्तों इस फंड के एनएवी का प्राइस है 15 रुपीज 56 पैसे, 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड का यूएम है। एसआईपी में 150 रुपीज और लमसम में 5,000 तक आप डाल सकते हैं। फंड की होल्डिंग में कुल मिलाकर 66 कंपनी है। टॉप होल्डिंग कंपनीज की बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री। यानी कि ये पावरफुल फंड है जिनके अंदर पैसे को निवेश किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं टाटा मिड कैप 150 मोमेंटम फंड की कुछ बेसिक डिटेल की, तो दोस्तों इस फंड के एनएवी का प्राइस है 19 रुपीज 11 पैसे, 500 करोड़ रुपए का फंड का यूएम है। फंड के अंदर 150 रुपए एसआईपी में लमसम में 5,000 तक आप डाल सकते हैं। फंड की पोर्टफोलियो में 50 कंपनी है मिड कैप कैटेगरी की। इसमें आरईसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अरबिंदो फार्मा और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, यानी कि 4 दमदार कंपनियों में सबसे ज्यादा पैसे को निवेश किया गया है, करीब 20% से ज्यादा। तो दोस्तों इस फंड के एनएवी का प्राइस है 47 रुपीज 57 पैसे, रेटिंग 5 है, 8,484 करोड़ रुपए फंड का यूएम है। एसआईपी में 100 रुपए, लमसम में 5,000 तक फंड में आप डाल सकते हैं। दोस्तों फंड की होल्डिंग में 52 कंपनी है। टॉप होल्डिंग की बात करें तो बीएसएफ इंडिया, किर्लोस्कर, क्विस कॉर्प और इंटास, यानी यहां पर भी पोर्टफोलियो स्ट्रांग है जिसमें फंड के पैसे को निवेश किया गया है। अगर हम बात करते हैं अपने टाटा डिजिटल इंडिया फंड की कुछ बेसिक डिटेल की, तो दोस्तों इस फंड के एनएवी का प्राइस 59 रुपीज 82 पैसे है, 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड का यूएम है। एसआईपी में 100 रुपए, लमसम में 5,000 तक आप डाल सकते हैं। फंड के पोर्टफोलियो में आईटी के दिग्गज 34 कंपनी शामिल है। टॉप होल्डिंग में इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और टेस्टियल टेक्नोलॉजी, यानी पोर्टफोलियो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग है जिसमें पैसे को निवेश किया गया है। इसके बाद अगर हम लास्ट फंड की बात करें अपने टाटा ईएलएस टैक्स सेवर फंड की कुछ बेसिक डिटेल की, तो दोस्तों इस फंड के एनएवी का प्राइस 51 रुपीज है, रेटिंग 3 है, 4,700 करोड़ रुपए के आसपास फंड का यूएम है। एसआईपी में 500 रुपए, लमसम में 5,000 तक आप डाल सकते हैं। फंड की होल्डिंग में कुल मिलाकर 59 कंपनी है। टॉप होल्डिंग में एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी ज्यादातर शामिल है पोर्टफोलियो में जिनमें हमें शानदार ग्रोथ मिल सकती है। तो दोस्तों टाटा के 5 सबसे दमदार फंड थे जिनके अंदर अगर आप पैसा डालते हैं तो यहाँ पर 30,000 रुपए निवेश करके भी इन 5 फंड के अंदर आप एक बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।